श्री ए जेड कनेरिया प्राइमरी साड़ा धोरण 7 विषय हिंदी। इसमें आज हम पाठ 4 देश के नाम संदेश पढ़ेंगे। यह पाठ श्री अब्दुल कलाम जी ने एक ईमेल के रूप में पत्र ईमेल किया था और पत्र के रूप में यह पाठ उन्होंने हमारे देशवासियों के नाम पर लिखा हुआ है। इसमें हम किस विषय में बताया गया है इस विषय पर हम पढ़ते हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायत और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं इस नाम से देश के नागरिकों को एक ईमेल भेजा है। इसमें देशवासियों के मन में देश अभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख है। यहाँ पर श्री अब्दुल कलाम जी ने 19 मई 2005 को एक ईमेल के रूप में हमारे देशवासियों के नाम पर क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं इस नाम से एक ईमेल भेजा हुआ है। आज भी हम जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, फिर भी पत्र का अपना ही महत्व है। आज हम कभी कभी जब बहुत दिनों से पत्र नहीं लिखे हैं ईमेल या मोबाइल से बात करते हैं और समय निकालकर आप कभी पत्र लिख करके देखना या किसी से हम कहेंगे कि आप हमें पत्र लिखिए और वो मिलता है हमको पत्र और हम उसको पढ़ते हैं तो हमें शायद ऐसा लगता है कि हम ऐसे जगह पर हैं जहां पर आज भी पत्रों का महत्व है। पत्र अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, उनका अपना विशेष महत्व होता है। यहाँ पर श्री अब्दुल कलाम जी ने देशवासियों के लिए जो पत्र लिखा है उस पत्र की एक ही सीख है कि इस पत्र को पढ़कर हमारे भारत के लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। जैसे कि हम पत्र लिखते हैं उसमें सबसे पहले बाएं तरफ पता लिखा हुआ है, उसके बाद किसको लिख रहे हैं, यह इस प्रकार से जो हर्ष करके एक बच्चा है, उसने अपने मित्र को हर्ष के मित्र ने हर्ष को अपने एक पत्र के माध्यम से जो श्री अब्दुल कलाम जी का ईमेल है उसको लिखा हुआ है और उसको लिखने के साथ साथ उसने दूसरे लोगों को भी इसे पढ़ने के लिए समझाया कि हम अपने देश के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, हम अपने देश में क्या करते हैं, बीजे दूसरे देशों में जा कर के उसी बात को किस प्रकार से मानते हैं और हमारे देश में किस प्रकार से अपने नियमों का हम उल्लंघन करते हैं। पत्र में हम देखते हैं मातृ छाया ऊंची सेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। यह पत्र 24/12/2011 को लिखा गया है हर्ष को। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ आप भी सकुशल होंगे। हम सभी जानते हैं कि पत्र में पता और जिसको हम पत्र लिखते हैं उसके नाम पर उसका नाम लिखने के बाद नमस्ते लिखते हैं, अपनी खैरियत भी बताते हैं और सामने वाले की खैरियत भी हम पूछते हैं। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम पर भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करने का मतलब है भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश को शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि एक पत्र जो है श्री अब्दुल कलाम जी ने अपने देशवासियों के नाम पर लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने देश के लोगों का आह्वान किया है और कहा है कि अगर उसका पत्र की जो हेडिंग है उसका ही नाम लिखा हुआ है, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है। पत्र की हेडिंग ही उन्होंने इस ईमेल की हेडिंग ही लिखी हुई है।
अगर आपके पास है तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। श्री अब्दुल कलाम जी कहते हैं ईमेल में, कहते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अपने देश को ही सभी काम सौंप दिया है कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जो कोई काम नहीं करता, व्यवस्थित कोई काम नहीं है, पर हम देखते हैं कि हम ही उसके जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार निकम्मी है। तो क्या है, हमने ही हमारी सरकार को बढ़ावा दिया हुआ है कि जो काम करें, हम खुद ही हमारे यहाँ के नेताओं के आगे पीछे करने लगते हैं, जिससे कि हमारी सरकार अपने आप निकम्मी हो। निकम्मी का मतलब है यहाँ पर कि कोई काम ना करे, हमारे देश के लिए कोई काम ना करे, हम खुद ही उसके लिए प्रोत्साहन करते हैं, हम खुद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे कानून तो बनाए गए हैं और रिश्वत और सब कुछ दे करके, रिश्वत और दूसरे कोई उपहार दे करके, और सामने वालों को नियम पालन खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी नियम पालन ना करने के लिए उकसाते हैं रिश्वत के द्वारा या दूसरे माध्यमों के द्वारा। नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, तो नगर पालिका जो है वह सुबह सुबह सब जगह पर हमारे पूरे शहर में नगर पालिका के लोग जो हैं वह झाड़ू लगा करके जाते हैं, और हम क्या करते हैं पूरे दिन में, हम पूरे रास्ते को किस प्रकार से गंदा कर देते हैं, जहाँ पर देखो वहाँ पर थूक देते हैं, जहाँ पर देखो पैकेट खा करके कचरा डाल देते हैं, तंबाकू पान सब कुछ खा के उसके जो पैकेट हैं वो हम सब हम ही डालते हैं, तो कचरा किसने किया, हमने ही किया है कचरा। अगर वह कचरा हम रास्ते में ना डालें और जो जगह जगह पर डस्टबिन रखी होती है, कचरा पेटी रखी होती है, थोड़ी हम चल कर जाकर के उस जगह पर ही हम अगर डाल दें तो क्या होगा, क्या होगा, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती ऐसी बात हम कहेंगे नहीं, इसकी जवाबदारी किसकी है, हम सभी की है। इसलिए श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमको ही कहा है इन सभी बातों, और देखें प्रायः हम तो इन सभी बातों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, यह सब काम जो है, एयरलाइन खराब है, रेलवे मजाक बन गई है, फोन काम नहीं करता, तो इन सब कामों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, इन सब की जवाबदारी हम स्वयं ही, इसका उपयोग व्यवस्थित ढंग से नहीं करते हैं। एयरलाइन दुनिया की क्यों खराब है, क्योंकि हम खुद ही दूसरे जो विदेश की जो एयर सर्विस हमको मिली है, हम खुद ही हमारे देश की एयर सर्विस का उपयोग नहीं करते, तो क्या होगा, खराब कहलाएगी ही, कितने दिन तक हमारे हवाई जहाज, इंडिया हवाई जहाज पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, उनकी मशीनरी खुद ही खराब होगी क्या, हम जब उसका उपयोग करेंगे, टिकट उसमें ही बुक कराएंगे, तो क्या होगी, वो हवाई जहाज हमेशा चलती रहेंगी, जिससे उसके पार्ट्स जो है वो खराब नहीं होंगे, तो इन सभी कामों के लिए हम खुद ही जवाबदार हैं। रेलवे मजाक बन गई है, किस प्रकार से बन गई, उनके उसमें जो हमारे यहाँ पर लेटरिन बाथरूम और जो भी व्यवस्थाएं रेलवे द्वारा दी जाती हैं, चाहे वह प्लेटफार्म पर, चाहे रेल के डब्बे के अंदर बोगी में, कुछ भी सुविधाएं जो हमको दी गई हैं, वह सभी सुविधाओं का हम ही गंदे तरीके से उपयोग करते हैं, और हम कहते हैं कि रेलवे वाले साफ नहीं करते, एयरलाइन वाले साफ नहीं करते, नगर पालिका वाले नहीं करते, तो इन सब की जवाबदारी किसकी, हमारी है, हम उपयोग करने के बाद उसको पानी डाल करके स्वच्छ करें, या जहाँ पर कचरा डालना है वहाँ पर ना डालें, तो क्या होगा, हम स्वयं ही साफ सफाई रखेंगे, तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे हम देखते हैं, आप कहते हैं, कहते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपके आपने इस बारे में क्या किया, फिर राष्ट्रपति ने कहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, अपनी शक्ल दीजिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम ही वह व्यक्ति हैं जो सिंगापुर जा रहे हैं, और उसको जो हम सिंगापुर जाने वाले व्यक्ति हैं ऐसा हम मान लेते हैं, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं, हम ही वही व्यक्ति हैं जो भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम ही वह व्यक्ति हैं जो
भारत में रह रहे हैं और हम ही अगर सिंगापुर चले जाते हैं तो तुरंत ही हम जैसे ही वहाँ के हवाई अड्डे पर उतरते हैं हमारे अंदर वहाँ के नियमों के प्रति सजगता आ जाती है। तुरंत ही हम हमारे देश में होते हैं तो सिगरेट का टुकड़ा पी करके और हमारे ही हवाई अड्डे पर डाल देते हैं, पर वहाँ पर हम जैसे ही उतरते हैं तो वहाँ के हवाई अड्डे पर हम नहीं डालते हैं सिगरेट का टुकड़ा। वहाँ पर जो डस्टबिन कचरा पेटी रखी हुई है उसमें ही जाकर के डालते हैं, सड़कों पर नहीं फेंकते, स्टोरों में हम खाते भी नहीं हैं। यहाँ पर हम स्टोर में बैठ के खाते हैं, वहाँ से लिया, वहाँ तुरंत ही बैठ के खाया और आगे चल दिए। आपको अपने भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है। उनके रस्क का कहने का मतलब है यहाँ पर गर्व कि हमको, हम सिंगापुर में पहुँच गए हैं, हम कितने बड़े हैं कि हम सिंगापुर में पहुँच गए हैं, ऐसा हमको अपने मन के अंदर से आने लगता है तो हम तुरंत ही वहाँ के नियमों का पालन करते हैं। पर क्यों, हम भी भारत जैसे महान देश में रह रहे हैं, भारत ही वह ऐसा देश है जहाँ से संस्कारों की शुरुआत हुई है, यह बात हम समझते ही नहीं हैं। जो कुछ दिया है, जो भी आज हवाई जहाज और जो भी सुविधाएं हम दूसरे देशों ने ली है, वह सभी हमारे पुराणों वेदों से ही दूसरे देशों को प्राप्त हुई है। पुष्पक विमान से हमारे देश का जो पुष्पक विमान है उसकी इंजीनियरिंग कला के आधार पर ही हवाई जहाज का निर्माण किया हुआ है। तो हम यह बात तो समझते ही नहीं हैं, पर हम दोष किसको देते हैं कि हमारी सरकार नहीं करती कुछ, हम भी नहीं करते उसके साथ साथ, यह ध्यान नहीं देते। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आचार रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। हम क्या करते हैं कि अचार्ड रोड पर अगर हम कार चलाते हैं शाम को 5 से 8 बजे के बाद में, तो हमको वहाँ के नियम के अनुसार 60 रुपये पैसे देने पड़ते हैं। पर हमारे यहाँ तो हम कभी भी कार चलाएं, कोई सी भी रोड पर कार चलाएं, नो पार्किंग में भी कार जाने दें, पर हमारे यहाँ अगर टैक्स लिया जाएगा तो हम क्या कहते हैं, ऐसा है वैसा है, कोई कुछ करता नहीं है, हमसे ही लेते हैं, या हम क्या बता देते हैं कि तुम जानते हो कि हम मंत्री के बेटे हैं, इस प्रकार की धमकियां हम सामने वाले को देने लगते हैं। पर वहां पर हम क्या करते हैं, मुंह बंद करके हम वहां का टोल टैक्स भर देते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं हैं, कहते हैं क्या, नहीं, सही बात है। हम क्या करते हैं, जब पार्किंग में, हमारे यहाँ के भारत की पार्किंग में हम गाड़ी रखते हैं तो कोई बात नहीं, भले 1 घंटे देर हो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। पर जैसे ही आप वहाँ जाते हैं तो अगर आपने 1 घंटे आपको ज़्यादा भी गाड़ी खड़ी करनी है तो आप उसके लिए टिकट आपको वहाँ पर पहले से ही ले लेंगे आप, कि आपको शाम को 5 बजे से शाम को 5 बजे तक अगर 6 बज रहे हैं तो उस घंटे की टिकट आप ज़्यादा ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम सिंगापुर में हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहते हैं। हम दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में सिर बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वहाँ पर रमजान का समय जब चलता है तब हम कुछ भी बाहर नहीं खाते। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, हम भारत में रह रहे हैं इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा रोज़ा छूटा और हम रेकड़ियों पर खड़े रहते हैं, बहुत से हिंदू भी हैं जो रोज़ा रहते हैं, तो क्या होता है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हम दुबई में हैं इसका मतलब क्या है कि वहाँ के नियमों का पालन करना, और भारत में है इसलिए हम यहाँ के नियमों का पालन नहीं करेंगे, ऐसा हम ही करते हैं, हम ही वही व्यक्ति हैं जो सिंगापुर गए हैं। बंसिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, फला मेरा बाप है। हम बंसिंगटन जाते हैं तो वहाँ पर 55 मील प्रति घंटे के ऊपर से गाड़ी नहीं चलाएंगे, और अगर हमने चलाई तो वहाँ से नियमों के अनुसार या तो हमको सजा होगी या फिर हमको वहाँ के पैसों के अनुसार उतना भुगतान करना पड़ेगा। पर हम भारत में होते हैं तो हमारे यहाँ के नियमों का, हमारे यहाँ भी नियम है कि आप 80 से 100 से ज़्यादा स्पीड की गाड़ी ना चलाइए, 120 की स्पीड से गाड़ी मत चलाइए, हाईवे पर हैं आप तो हम यहाँ के नियमों का पालन नहीं करते। और उसके बाद भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए हम बताते हैं कि मैं मंत्री का बेटा हूँ, मेरे पिताजी पुलिस में हैं, यह सब बात हम ही कहने लगते हैं।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पी क्यों नहीं थूकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यहाँ के हम मुंबई बीच पर हैं, सोमनाथ बीच पर हैं और पोरबंदर बीच पर, यहाँ पर हम कहीं पर भी जाते हैं तो क्या करते हैं, नारियल पानी पिया और वहीं के वहीं उसका पानी पीने के बाद जो नारियल पानी का नारियल जो है बचता है उसको हम हवा में उछालते हैं, हमको मज़ा आता है, ठीक है ना। पर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में हम होंगे तो वहाँ पर हमको जहाँ पर नारियल पानी पीने के बाद जहाँ पर नारियल फेंकने होंगे वहीं पर जा करके हम फेंकेंगे, हम हवा में नहीं उछालेंगे, मज़ा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के नियम के अनुसार हमको पैसे भरने पड़ेंगे और हमारे पैसे नहीं देंगे हम तो हमको वहाँ के नियम के अनुसार 2-3 महीने की सज़ा होगी जेल की। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक नहीं थूकते। टोक्यो में हम पान खा करके सड़क पर पान नहीं थूक सकते हैं, हमारे भारत में तो हम कहीं भी थूक सकते हैं, ठीक है ना। यदि बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। बोस्टन में नियम है कि आप जितने पढ़े होंगे, आपके पास जितनी योग्यता होगी, आप उतने ही प्रमाण पत्र ले सकेंगे, उससे ज़्यादा का आप प्रमाण पत्र नहीं ले सकेंगे। उसके बाद भी हर साल वहाँ पर जो लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर बड़े बड़े पदों पर होते हैं, उनका हर साल परीक्षा ली जाती है कि वह अब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, जितनी वह पहले काम कर सकते थे उतना ज्ञान अब उनके पास में है कि नहीं है। यह सभी ज्ञान जो है यहाँ पर बोस्टन में उनकी योग्यता देखकर ही उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। हमारे यहाँ तो जो लोग हैं बहुत से यहाँ पर नहीं कह रहे हैं हम कि वह जाली प्रमाण पत्र लेकर के पढ़े बिल्कुल भी ना हो, पर एमए बीएड पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, पर उनको उस विषय में ज्ञान ही नहीं होगा कुछ। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं और मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, यहाँ पर हमें ही हमारे ही विषय में कह रहे हैं। डॉक्टर कलाम बीच से बोलते हैं कि तुम याद रखना कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो सिंगापुर गए हो, बोस्टन गए हो, टोक्यो गए हो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए हुए हो और भारत में वही वर्तन आप अच्छे से नहीं करते हैं। बाल मित्रों, यहाँ पर पाठ 4 का पहला भाग पूरा होता है। आगे के भाग के साथ में हम आप फिर से दूसरे भाग में साथ में होंगे। नमस्कार।